नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सिस्टम के बारे में जिसको भारत द्वारा डिप्लॉय किया गया है, और किस समय डिप्लॉय किया गया है कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे भी कंडीशन चल रही है आपके नदन बॉर्डर पे, उसको देखते हुए सिस्टम का डिप्लॉयमेंट प्रॉब्ली हुआ है। यहाँ पे सिस्टम एक रेडार है जो कि प्रॉब्ली DRDO के LRTR का एक एडवांस वेरिएंट हो सकता है। ये पहला केस है। और यहाँ पे जो मोस्ट प्रोबेबल सेकंड केस है कि ये इजरायली ELM 2090 है, यानी कि टेरा रेडार है जो कि एक स्ट्रेटेजिक अर्ली वार्निंग डुअल बैंड रेडार है। और इस सक्षम है स्टेल्थ टारगेट को एक दूर तक पकड़ने में। दो बैंड में ये काम करता है, दोनों रेडार। मतलब ये जो कंप्लीट सिस्टम है टेरा, ये दो रडार से बना है। पहला जो रडार है वो अल्ट्रा है, जो सेकंड रडार है वो स्पेक्ट्रा है। अल्ट्रा की बात करोगे तो अल्ट्रा काम करता है UHF पे, जहाँ पे इसकी टेंडेंसी होगी कि ये लोअर आरसीएस को भी एक लॉन्गे रेंज पे पकड़े। वहीं पे जो सेकंड रडार है यानी कि स्पेक्ट्रा, वो काम करता है एस बैंड पे। और ये दोनों ही मिलकर कंजंक्शन में वेरियस तरह के टारगेट को डिटेक्ट करते हैं और ट्रैक करते हैं। अब वो चाहे टारगेट कोई बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर कोई सैटेलाइट हो। तो यहाँ पे आपके पास एडवांटेज ये है कि जो एरिया ऑफ कवरेज है वो काफी लार्जर है, और जो अजमत है वो भी हायर है। यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर की क्षमता है। इसको जैम करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि ये जो दोनों ही रडार हैं वो आपस में डेटा को शेयर करते हैं और कोई टारगेट को देख रहे होते हैं। तो ये एक यूनिक फीचर है जो कि टारगेट लोड सपोर्ट में हेल्प करता है। यहाँ पे रेंज की बात करते हो तो जो स्पेकुलेटेड रेंज है वो अप टू 3000 किलोमीटर है। रडार आपको हेल्प करने जा रहा है टाइप ऑफ टारगेट को क्लासिफाई करने में, चाहे वो टारगेट कोई बैलिस्टिक मिसाइल हो, ABT हो या फिर सैटेलाइट हो। डिजिटल बीम फॉर्मिंग का ये इस्तेमाल करता है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर जो मॉड्यूल हैं वो गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं, तो कहने की जो मॉड्यूल की क्वालिटी है वो हायर है। सो यहाँ पर दोनों रडार मिलके डेटा शेयर करके टारगेट को पकड़ रहे होते हैं, तो टारगेट के पकड़ जाने की जो एक्यूरेसी है वो यहाँ पर हायर है। यहाँ पर ट्रैकिंग दोनों बैंड में हो रही है। यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो भी आपके एयर डिफेंस सिस्टम है ये उन सभी से कॉम्पैटिबल है। स्पेशली इसको जोड़ा जाएगा IF के नेटवर्क से, जिससे कि जो भी आपके इंटरसेप्टर हैं आसपास उनको टारगेट की लोकेशन दी जा सके। सो टेक्निकली जो आपके BMD इंटरसेप्टर्स हैं उनको भी लॉन्च किया जा सकेगा, क्योंकि वो भी आपके डिफेंस नेटवर्क से जुड़े होंगे। यहाँ पर रडार के पास ये क्षमता है कि स्पेस में जो भी डेब्रिस फैले हैं उनको मैप कर सके। हाइपरसोनिक टारगेट को ये ट्रैक कर सकता है। अगर इसके द्वारा छोड़े गए जो बीम है, मतलब बीम की जो विड्थ है और एजमथ है, उसमें अगर कोई हाइपरसोनिक टारगेट रहता है तो ये उसको आराम से ट्रैक कर पाएंगे, क्योंकि वैसे भी जो यहाँ पे विड्थ होने वाली है वो काफ़ी बड़ी होने वाली है। तो यहाँ पे इस पिक्चर में आपको दो एलिमेंट दिख रहे हैं जिसको पर्टिकुलरली ELM 2090 बताया जा रहा है टेरा। लोकेशन शेयर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसी जगह पर डिप्लॉयड है जहाँ से बैठे बैठे ज़्यादातर एरिया को कवर कर सकता है, चाहे वो पाकिस्तान से हो या फिर नदन बॉर्डर पे हो। यहाँ पे आपके पास एडवांटेज ये भी होगा कि अगर कोई स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आ रहा है तो उसको भी आप डिटेक्ट कर पाओगे UHF वाले रडार से, और कहीं के जो कन्फर्मेशन है S-band रडार से वो आपको थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन जो डिटेक्शन होगा वो पहले ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी एक केस जुड़ जाएगा कि जब भी आप किसी बीम को एक लॉन्गर दूर से एमिट कर रहे होते हो, तो हम सभी जानते हैं कि जो अर्थ का कर्वेचर है वो मुड़ जाएगा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाने के बाद, और ये डिस्टेंस आमतौर पे 400 किलोमीटर के बाद आ जाती है, जहाँ से अर्थ का जो कर्वेचर है वो मुड़ने लगेगा। तो वैसे केस में जो एलिवेशन है वो कितने मीटर का रहता है वो मैटर करेगा, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट होंगे वो एक पर्टिकुलर एलिवेशन पे ही फ्लाई कर रहे होंगे, जैसे कि 18 किलोमीटर या फिर 20 किलोमीटर जहाँ तक वो आमतौर पर फ्लाई करते हैं। अगर वो आपके बीम के एलिवेशन के नीचे है तब आप उनको वहाँ पर डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, वो और भी आपके नज़दीक आ सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें देखकर जो रडार का प्लेसमेंट है वो किया गया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।